पैसा वाला है तो लगता है कि भैंस उस चराता होगा दूध का पैसा तो वे करेगा तो छत्तीस सौ लगता बुला रहे हैं बहुत बड़े वाले यार तुम्हारे महक में आवाज नहीं है कौन है जुम्मन हम है पीर साहब कहा हुआ अरे क्या बताए पीर साहब जब चौदह था ना तब पैर हिया हुआ कर रहा था जब मोड़ा था ना तब चबरा ऊपर नीचे कर रहा था और क्या बताए पीर साहब जब सुबह है तब अखिया का सुबह जाए था अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी है ने इसका इलाज करवाया नहीं अरे क्या बताई पीर साहब जब से ये पैदा हम जब से तब पड़े थे देखा बता लेकिन ज्यादा नहीं होगा तो क्या पहले भी
पीछे वाले तमाम साथी बैठ के देखे पीछे वाले बैठ जाए। देखिए हमारे साथ की तस्वीर परमा हमारे अस्ताद के नाम में बैठे बैठ जाए। देखो ना लोग है ना हजरत अभी ताबीज लिख रहे हैं, अगर मेरा हाथ बंद कर ले तो आधा निकाल ले ठीक है। अब गाना है हजरत का पैसा ऐसा नहीं देते मगर नजराने के तौर पर कुछ दे दीजिए। आप लोग आंख बंद कर लीजिए, अभी हजरत ताबीज लिख रहे हैं। अबे आप खोलो, देखो ये तालीम दिए दे रहे हैं जी, इसको जो है सोने के बाद उठने से पहले पहन ले ठीक है फिर सर ठीक है। आप पानी दे रहे हैं इसको जो है मुंह बंद करके पीना ठीक है फिर सर ठीक है ठीक है। जाओ ऐसे तो पीर साहब नजराना वगैरह लेते नहीं है लेकिन आप लोग हदिया के तौर पर कुछ दे दीजिए कम से कम। हबीस कहेंगे हम भी बोलते पांच हमारा नाम से सारा पार्टी अनाउंस करता हूं कुलाउ से मतलब नाज बोली कि नाज हुआ समझा दस हजार बोली फिर साहब चलो ठीक है भाटिया तो नाच कर दिए इसका क्या हुआ। अरे फिर साहब जब नाच करना जानते तो वापस करना भी जानते हैं वापस कर दीजिए। अलकारिया मलकारिया जो गया सवारिया आजा आजा क्या जुम्मन मियां कहां से आ रहे हो क्या बताई काजी साहब हमारे शहर में बरेली शरीफ से एक ऐसे पीर आन बा कि एक ही मतलब में कितनों दिन के बीमारी को ठीक कर देगा। अरे वो बहुत बड़ा कभी से खाली लोगों को गुमराह करता रहता है क्या हुआ है तुम लोगों को कौन सी बीमारी है क्या बताए काजी साहब जब चरत रहा तब पैर मामा करत रहा है अगर घोड़त रहा तो जब मैं ऊपर चकरात रहा है अगर सुबह रहा तो अखिया फोन हो जाग रहा है सबके साथ होता है चलो कहां से आया तो होता है सबको खाली गुमराह कर रहा है। अरे हमको मिला उससे कमीने से साहब अब इस तरह बोल रहे हैं के खिलाफ। अरे वो पीर नहीं है बस लोगों को गुमराह कर रहा है कहां है मिला हमको उससे। अरे हमने शहर में कुल करेली आया है सब लोगों को गुमराह करता फिर रहा है हमको उससे मिला थोड़ा भाई वो आप हमारे पीर साहब को बुरा भला क्यों करे भाई बुरा भला क्यों नहीं कहे लोगों को गुमराह जो कर रहा है वो गुमराह नहीं कर रहा है इतने बड़े पीर साहब के घरा को ठोक के साथ जाके राख हो जाइएगा। अरे आप सुने शहर में कोई चंगा फंसा खरीदा रहा लोगों को गुमराह कर रहा है नहीं ऐसा है कि हमारे पीर साहब यहाँ पे मौजूद है और आप लोग भी मौजूद है ऐसा कीजिए कि मुनाजरा कर लिया जाए और ये बिल्कुल फैसला हो जाएगा दूध का दूध अलग हो जाएगा और पानी का पानी अलग हो जाएगा ठीक है फिर कर लिया जाए। बुला दो अपने पीर साहब बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फातिमा शफीअ मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैहि व या रबी अल्लाह सलातो व सलाम अलैहि व या हबीब अल्लाह सलातो व सलाम अलैहि व या खलीक अल्लाह सलातो व सलाम अलैहि व या अल्लाह। देखिए भाइयों काफी दिन से बीमार चल रहा हूं सादे भी बोलने की अभी हिम्मत नहीं रही
कुछ बात आप लोगों के सामने बतानी है जो बुनियादी है। बहुत ये है कि कुछ गुमराह लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप मजाक भी ना जाए, हलवा ना बने, चरागा ना करे। मैं आप लोग को बतलाता हूँ कि आप हलवा जरूर बने, क्योंकि हलवा की वजह कौन पास में मौजूद है। आप फूल जरूर चाहे, क्योंकि फूल का सबूत हदीस पाक से मिलता है। आप चरागा जरूर करें। इन्हीं चंद बात पे मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। बदअकीदा शख्स आया है जो आपसे मुनाजरा करना चाहता है। कौन बाबा था जो हमसे मुनाजरा करना चाहता है? बुला दिया आपको, बुला रहे हैं पीर साहब। ठीक है चलो, ऐसा जाद उधर जाओ। मैं चिश्ती साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी कुरान की आयत है और कौन सी हदीस है जिसकी रोशनी में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जाकर कब्र पे चादरें चढ़ाओ, जाकर कब्र पे चरागा करो, जाकर कब्र पे फूल चढ़ाओ और फातिहा नियाज करो, जरा हमें भी बता दें। उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौवा। उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौवा, हमने हलवा बनाया तो बुरा मान गए। मैं इन अकल के तोरे वहाबियों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कौवा खोरों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी कुरान पाक का हाथ लगाया है? क्या तुम्हें कभी कुरान पाक की तिलावत की तौफीक मिली है? नहीं, अगर मिली होती तो तुम उससे मेरे हलवे बनाने की दलील नहीं मांगता। क्योंकि हलवे की दलील कुरान पाक में अगर मैंने शर्म से अगल गोरे अगल के गोरे वहां पे उठाओ कुरान से खोलो 29 पर पारा सूरह मारिज की 29 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन इंसान अखरी का हलवा शकल से इतने बड़े अल्लामा और कल्लामा मालूम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फरिश्तों की एक जमात आई थी और उस जमात से ये बिछड़ के आ गए। अब जरा मैं चिश्ती साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका ये कुरान का तर्जमा करना और हदीस की तारीफ करना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्जमा और तफसीर करती है, क्या हजरत सात दिन जुबैर रजी अल्लाह ताला उन्होंने यही तर्जमा और यही तफसीर किया है? नहीं नहीं, हर चीज नहीं, सौगंध नहीं, क्योंकि इन्नल इंसान खुलक हलवा नहीं, इन्नल इंसान
खुली का हलवा है, हलवा के माने हरीस और कम हिम्मती के लिए। आओ ऐ कब्र के पूजे करने वालों, ऐ कब्र पे जाकर चादर चढ़ाने वालों, ऐ कब्र पे चढ़ावा करने वालों, ऐ कब्र पे जाकर मुरादें मांगने वालों, ऐ कब्र पे जाकर नूर मुसलमान चढ़ाने वालों, ऐ कब्र पे जाकर अपना माथा टेकने वालों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हजरत साहब बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला ने लफ्ज़ हलवा से क्या मुराद लिया है। उन्होंने लफ्ज़ हलवा से बखील और कंदस मुराद लिया है। वाह अरे वाह, शेख साहब ने तपरी धड़ल्ले से तकरीर झाड़ दी। इस खबीस ने यह भी नहीं सोचा, इस खबीस ने यह भी नहीं सोचा कि कुरान का गलत तर्जमा करना और हदीस का गलत मफहूम बताना और तफसीर करना हमें कहां से कहां पहुंचा देगा। अरे बड़ी लच्छेदार तकरीर बना रहे थे, कब्र पे जाकर फूल चढ़ाने के बारे में, न्याज फादिया करने के बारे में, और इस हदीस से इस्तदलाल कर रहे थे कि एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो ऐसे कब्रों के पास से हुआ कि जिन कब्रवालों को अजाब मारा था, तो आपने उन कब्रों पर हरी तेली डाल दी ताकि उनके अजाब में तकलीफ हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पीर अहमद रेजा खान के कब्र में आजाद हो रहा है? आप ऐसे इसकी वजह से चादर और फूल चढ़ाना है, बुला अभी इसको कहां गया? अरे पीर साहब तो भाग गए, अब हम लोग तो गुमराह हो चुके हैं। अरे वो तो खुद गुमराह है, खबीस कहीं का वो तुम लोगों को शहर में आके भटका रहा और गुनाह कर रहा है। ठीक है ठीक है, हम तुमको कलमा पढ़ा देते हैं। आप बता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह आमंतो बिल्लाही बिल्लाही। ठीक है, आप तुम लोग मुसलमान हो गए, आप जा बिरयानी बिरयानी खिला दो बच्चों को। अभी इनाम को तकसीम किया जाएगा और हम लोग खान साहब के गुलदस्ता भी पेश किया जाएगा।